हाँ फातिमा के साथ लंच किया था मैंने। फातिमा के साथ लंच? तो नताशा के साथ क्या चल रहा है तेरा? बताया तो था तुझे, आई एम गोइंग टू ब्रेक अप विद हर। गाड़ी चलाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अमार, ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? आई एम नॉट नताशा। फातिमा, मैं जानता हूँ कि तुम नताशा नहीं हो। चलाओ ना गाड़ी यार, मशवरा चाहिए तुमसे। अब क्या मशवरा चाहिए मुझसे? अपने फैसले तो तुम सारे खुद कर लेते हो। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम्हें किसी ने ना गलत ब्रीफ किया है। मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ, चलो चलाओ गाड़ी। मैं जानता हूँ कि मॉम के लिए तो ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग होगी। मेरा और नताशा का रिश्ता टूटना मॉम के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। मैं खुद भी ये नहीं चाहता कि नताशा के साथ मंगनी टूटे। ये सब कुछ मैंने मॉम, डैड, नताशा, इन सब की खुशियों के लिए तो किया था। मतलब इन सब की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी? नहीं फातिमा, मैं टिपिकल मर्दों की तरह ये नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी। नताशा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं नताशा के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं देना चाहता। मॉम डैड ने फैसला ले लिया, लेकिन नताशा नहीं यार, नताशा नहीं। अभी चंद दिन पहले तक तो सब ठीक था, अचानक से ऐसा हुआ क्या कि तुम्हें ये फैसला लेना पड़ा? सी, तुम्हें भी यही लग रहा है कि मैंने फैसला ले लिया, मॉम डैड को भी ऐसे लग रहा है। हालांकि तुमसे बात करने का मकसद यही था कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, सोचना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम भी मॉम डैड की तरह ये समझियो कि मैंने फैसला ले लिया। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। देखो अमार, रिश्तों में प्रॉब्लम जरूर होता है, लेकिन रिश्ते सब्र से चलते हैं। देखो फातिमा, बर्दाश्त वहाँ किया जाता है जो रिश्ते हमें पैदाइश के साथ मिलते हैं, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई, इवन दादा दादी भी। लेकिन लाइफ पार्टनर तो खुद सोच समझ के अपनी मर्जी से चूज किया जाता है ना। अमार, ये रिश्ता भी हम बाकी रिश्तों की तरह पैदाइश से पहले ही अपने नसीब में लिखवा के लेके आते हैं। ये तय करने वाले हम नहीं है कि हमने किसके साथ जिंदगी गुजारनी है, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अगर नताशा तुम्हारे नसीब में हुई वो जरूर तुम्हें मिलके ही रहेगी। और अगर नताशा मेरे नसीब में ना लिखी हुई तो फिर? क्या मतलब? आई मीन हू नोज कि नताशा मेरे मुकद्दर में लिखी हुई, किसी को नहीं पता ना। तो फिर फैसला मुकद्दर पे छोड़ दे। छोड़ इसको, तू जा चाय लेके और बिस्किट भी। बिस्किट नहीं। क्यों, ऑफिस से लंच करके आया क्या? हाँ फातिमा के साथ लंच किया था। फातिमा के साथ लंच? तो नताशा के साथ क्या चल रहा है तेरा? बताया तो था तुझे, आई एम गोइंग टू ब्रेक अप विद हर। ये कब बताया तूने? जब तू घर आया था। यार देख, नताशा अच्छी लड़की है और तुझे बहुत चाहती है। अच्छी लड़की है, मुझे चाहती भी बहुत है, तो क्या करूँ, उसकी तस्वीर अपने कमरे में लगा लूँ? पागल है वो और कुछ भी नहीं, वो खुद भी नहीं ये जानती कि वो चाहती क्या है। यार मुझे ना कभी कभी तेरी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ना कोई पल्ले पड़ रही है। यार देख, नताशा की मजबूरी में हूँ और मेरी मजबूरी मेरे माँ बाप, और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते ज़्यादा देर तक चल तो नहीं सकते ना। वैसे भी मैंने बचपन से सोचा था कि लव मैरिज करूँगा, पर अरेंज मैरिज, वो भी इतनी घिसी पिटी अरेंज मैरिज, कैसे मुमकिन है? यार वो तुझे बहुत चाहती है, ऐसे नहीं वो मर रही होती तेरे पे इतना। यही तो मसला है कि उसको मेरे अलावा कुछ नज़र नहीं आता। उसके आगे एक जिंदगी पड़ी है, उसका करियर है, आर्टिस्ट है, कुछ भी कर सकती है वो, लेकिन नहीं, मेरे पीछे पड़ी हुई हाथ धो के। पागल, तेरी बातें पल्ले नहीं पड़ेंगी, चल अंदर बैठ के बाकी बातें करते हैं, आ जा। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।